वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्वीट बॉन्ड अनलिमिटेड। आज राधिका आई हुई है दिल्ली, जैसा कि आपको पता है हमारे कुछ दिन के वीडियोस देख के। तो हमारी देवरानी जी बोल रही हैं कि आज हम एक वो कपल क्विज करेंगे। हमें भी नहीं पता उन्होंने क्या क्वेश्चंस रखे हैं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और हम दोनों को आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यस तुषार, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। देखिए आज क्या राधिका क्या क्वेश्चन पूछती है, क्या गुगली मारती है हम लोगों को। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया भाभी हमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आज इनकी बारी है। तो भैया भाभी आर यू गाइस रेडी? यस यस। सो लेट मी आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट इट बी अ लिटिल रोमांटिक। तो इन बिटवीन यू टू, हु सेड आई लव यू फर्स्ट? ये आपको थोड़ा सिचुएशन बताना है, क्या हुआ था, कैसे कहा था? बट ही इज वेरी स्मार्ट एक्चुअली। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मतलब देखने आए थे, तो मेरे को एक डेट पे लेके गए थे। देन ही सेड कि अगर मैं तुम्हें पसंद आया हूँ देन यू मेल मी येस, देन मैं अपनी तरफ से हाँ बोल दूंगा। ही इज वेरी स्मार्ट और दैट वे उनको ये भी पता चल जाए कि उनका उस लड़की का बॉयफ्रेंड है कि नहीं और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं मेरे में, मैं उसे पसंद आया हूँ कि नहीं। सो आई मेड हिम एंड आई, मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि जो मैं पहला लड़का देखूंगी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं उसको येस करूंगी। तो ही वॉज द फर्स्ट वन एंड आई सेड येस। तो आई लव यू नहीं कहा था पर यस मैंने कहा था, बट वेरी स्मार्टली ही आस्क्ड मी। अब भैया स्मार्ट तो है, भैया आपको पता है तो स्मार्ट है ही। और नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेकंड ग्रिलिंग क्वेश्चन। ठीक है, इन बिटवीन यू टू आई एम वेरी श्योर आई नो द आंसर, हु वुड अपोलोजाइज फर्स्ट? आई ऑलवेज ही नेवर सेज, कभी सॉरी नहीं बोलते मुझे, कभी नहीं बोलते, परेशान हो जाएंगे, रो लेंगे पर सॉरी नहीं बोलेंगे। मैं ही बोलूंगी अच्छा ठीक है यार सॉरी मान जाओ ही नेवर से सॉरी, जबकि बॉयज को बोलना चाहिए सॉरी, बॉयज को ही बोलना चाहिए भैया, बट ही नेवर से सॉरी। यस यस, अब से भैया बोलेंगे तो शायद सीखो कुछ, बोलना चाहिए आपको सॉरी। अच्छा, इन बिटवीन यू टू है ना, हु इज मोर रोमांटिक? Mistakes have been very fruitful. वो बस चांस देखते हैं कि हम दोनों अकेले कब होंगे, बस मौका देखते हैं। He is very romantic otherwise. और सबके सामने मुझे डांटते रहेंगे और अकेले में रोमांटिक होते रहेंगे। पर आपको एक सिचुएशन तो बतानी पड़ेगी। अच्छा फर्स्ट सिचुएशन, जैसे कि कल ही तुम लोग गए तो बस ये रोमांटिक हो गए। कौन से डिनर डेट पे लेके गए ये बताओ। डेट वेट में कुछ नहीं लेके जाते, बस रोमांस करते। अच्छा रोमांटिक, आई यू सी आई एम वेरी रोमांटिक। ओह माय गॉड, वेरी वेरी। सो इन बिटवीन यू टू, हु इज मोर जेलस? जेलस तो मतलब वो होता है ना, कोई किसी को ताड़ रहा है तो किसको जेलसी होती है? नहीं, ऐसा हम दोनों में किसी में नहीं है जेलस, वी आर सिक्योर, मतलब जेलस कोई भी नहीं होते। नहीं, वेरी नाइस, दोनों ही नहीं होते। अच्छा, इन बिटवीन यू टू, हु इज मोर थॉटफुल? दोनों ही थॉटफुल है, डिफरेंट वेज में। रहने दो, मैं ही ज्यादा हूँ, मैं भी सोचती ज्यादा हूँ। ही इज इजी गोइंग, मैं ज्यादा सोचती हूँ ऐसे। शी इज वेरी वेरी वेरी, मैं लेटी रहती हूँ, मेरा दिमाग चलता रहता है ये ऐसी है कि सो जाएंगी ना तो भी इनका दिमाग चलता रहेगा। वो तो है भाभी का, भाभी इज सो क्रिएटिव, एक एक सेकंड में ओहो ये आइडिया वो आइडिया, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, भाभी इज डैम क्रिएटिव। अच्छा, हु इन बिटवीन यू टू, हु इज मोर मैच्योर? मैच्योर भी मैं ही ज्यादा हूँ, ये तो दो मिनट में भिदक जाते हैं। दो मिनट में गुस्सा आता है, दो मिनट में ठंडे हो जाते हैं। आई बोली बोल मैच्योर है ना, एवरीथिंग इज शी, everything is she, but yeah, answering she so is so she is first and I am second and I and I do and I don't have any regret in saying that I am second, and sometimes I really feel blessed that I am second.
ये भैया आंसर करेंगे, हु इज मोर मेसियर, भैया वर आंसर आई नीड नॉट टू आंसर बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू इज आई एम ऑलवेज सेकंड. एकदम परफेक्ट बोला इसको उसने की इसका बनाने का काम है. ये उल्लू भी बहुत बड़ा परफेक्ट उल्लू जैसे को तैसा मिला. And so in between you two, who remember important dates? He does not remember anything. एक बार पता है क्या हुआ, यस्तिका को ये स्कूल छोड़ने लेने गए तो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि इसको सेकंड यस्तिका को भेजिए सेकंड क्लास में है. तो बोलते सेकंड क्लास तो इनका दोनों अलग अलग ब्लॉक्स हैं. तो बोलते हैं ये स्कूल में तो सेकंड क्लास है ही नहीं, इनको यही नहीं पता कि बच्चा कौन सी क्लास में है. I think that is the problem with all the men. All the men, any men you pick, they would not even remember which grade unke bachche padhte hain. I totally agree. I am second. Bhaiya, how clever. Yes. Huh? Clever since day one. Okay. Achha, in between you two, I think I know the answer. Who spends more money? Bhaiya is the one with the golden phone. I am second. This is a lie, guys. This he is a lie. He's there for earning and I'm there for spending. But this is a lie. Bhaiya is born with a golden spoon. Matlab in left, right, center, yahan kharcha, wahan kharcha, he doesn't think. And just that ki abhi bhabhi aa gayi hai, so he tells himself second, but bhaiya bhi ekdam kharchalu hai. Haan bhai. But here's the question is which whosoever is more kharchalu. More kharchalu. Yes. Point. So I am second. Yes, second. Acha, who buys gifts? More gifts in between you two. Again, I am second. ये वाला तो भैया वुड बी फर्स्ट. हु टेल्स द बेस्ट जोक्स? इसमें तो तुषार फर्स्ट है. तुषार डोंट लाई, तुषार अच्छे जोक्स मारते हैं. वो तो आपने इतने सारे हमारे वीडियोस में देखा ही होगा कि तुषार बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं. अगर भैया के बिना तो हम कोई भी पार्टी में बोर हो जाते हैं. राधिका और तुषार ही हमारे फैमिली कॉमेडियंस हैं. बस हम लोग मिलते हैं इसलिए कि सिर्फ हंसने के लिए और खून बढ़ाने के लिए. और लेट मी शूट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन बिटवीन यू टू, हु इज मोर फैशनेबल? ही इज मोर फैशनेबल. ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज हेयर स्टाइल. कभी गंजे हो जाएंगे, कभी दाढ़ी उड़ा देंगे, कभी मूछें उड़ा देंगे, कभी दाढ़ी लंबी कर लेंगे, कभी बाल लंबे कर लेंगे, कभी सरदार जी बन जाएंगे. एवरीथिंग ही ट्राइज. आई रिमेम्बर भैया कलरिंग, गोइंग फॉर अ मोहन. हम लोग एवरी आई थिंक एवरी फोर्टनाइट हम लोग भैया को बोलते थे, भैया अब की बार का क्या नया लुक है. भैया बस अपना नया लुक होते ही हमें फोटोग्राफ भेजते थे कि देखो ये मेरा नया लुक. बाल नहीं कटवाने देते. मैं बोलती हूँ मैं ऐसे शॉर्ट करवा लूँ, वो करवा लूँ, तो मेरे को कुछ नहीं, बस तुम बल लंबे रखो और मेरे को कुछ नहीं करवाने देते. एंड वैसे ही ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज लुक्स. नहीं भैया अभी आई थिंक अभी इनका थोड़ा सा लुक स्टैग्नेंट रहा है. अदरवाइज भैया अभी चैनल में इन्होंने दाढ़ी डाली थी, बट चैनल में कमेंट आया कि नहीं आप दाढ़ी रखिए, यू लुक मोर. नहीं नहीं भैया को बियर्ड तो सूट कर रहा है अनडाउटेडली. भैया ओके, थैंक यू प्लेजर. एंड इन बिटवीन यू टू, हु इज अ स्नोरर? बहुत कम चांसेस होते हैं जब भी अपने आप को पहले आगे करते हैं. एकदम नहीं हम हर चांस पे भाभी ने अभी अपने आप को पहले आगे किया. नहीं तो अब तो ऐसी आदत हो गई है भैया को भाभी के खराटों की आवाज सुने बिना नींद भी नहीं. हाँ बिल्कुल सही बात है.
दोनों कान बंद करके सोने पड़ते हैं। नहीं नहीं भैया भैया लगते है कि कहाँ है। अच्छा अब खराटी की आवाज है, अब मैं गहरी नींद में जाऊंगा। ये तो है, ये तो। अब मैं गहरी नींद में जाऊंगा वरना भैया का तो मन ही ना लगे बिना भाभी के। ओके भैया भाभी वन मोर लास्ट क्वेश्चन इन बिटवीन यू टू हु कीप्स बेटर सीक्रेट्स। अगर बोल दिया है तो भैया तुषार सीक्रेट नहीं रखते, ये सारे बता देते हैं। इनके पेट में कोई सी इनके जब जो फ्रेंड्स भी होते हैं ना वो बोलते हैं इनके पेट में, और नमक मिर्ची लगा के इधर का उधर ये सारे काम करते हैं। मसाला पापड़ मतलब मसाला पापड़ सारे करते हैं। मैं सारे सीक्रेट्स रखती हूँ तो ये सारे सीक्रेट्स मुझे बता दे। I told you guys I am second। मैं तो सारे कौन से सीक्रेट, आप ही सारे सीक्रेट नहीं रखते हो। अब इसमें भी आप फर्स्ट हो। आल्सो आई एम सेकंड। फाइटिंग आल्सो आई एम सेकंड। आपने देख लिया गाइस, आपको देखी को आसी क्या। भैया इज मोर फैशनेबल फैशनिस्टा एंड भाभी इज वेरी क्रिएटिव। यू हैव नॉट सीन ये जो भी वीडियोस बनाते हैं, द माइंड बिहाइंड द वीडियोस इज भाभी। यू वुड बी हियरिंग हर वॉइस कॉन्स्टेंटली, ये करो वैसा करो, बट दैट इज द माइंड बिहाइंड द कैमरा। एंड भाभी इज अल्ट्रा क्रिएटिव एंड दीज टू मेक एन ऑसम पेयर। And all the best for you guys. Thank you, Radhika. Thanks for all the compliments. Thank you, guys. Aapko bearing us. I know, Bhaiya Bhabhi ko. I had been telling Bhaiya Bhabhi, you guys have to do this video. And I am going to do more videos with you. Only if you allow me to take this video. Thank you, Bhaiya Bhabhi. So guys, let's meet you in another video now. Till then, aap logon ko pata hai kya karna hai. Aapko karna hai like, share, subscribe, press the bell icon. और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप हमसे कैसे कैसे वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर यू लाइकिंग द वीडियोस? आप मुझे लग रहा है यस्तिका को मिस कर रहे होंगे। अब हम यस्तिका को भी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। देखिए इसमें भी आई एम सेकंड। टिल देन बाय।